पहले शुरू लेते आए को एक समय बस हो सकता सुबह का रहता है ना ये फ्रीक्वेंसी रहती है हमारे वाघ बटवाचन की या हम जो जो भी करते हैं बाद बाद में क्यों सोना जाके घर पे हाँ बाद में सोना ही नहीं घर पे जाके <coughs> हाँ रात में तो सभी सोते हैं ना <laughs> प्रश्न नहीं, है। नहीं है हाँ यहाँ से जाने के बाद कौन सोता है ऐसा पूछा मैंने <coughs> क्या जला हाँ तो एक तद्भुत हम्म <coughs> <coughs> चलो भागवत वाचन शारीर स्थान हमने श्लोक पढ़े अभी कल पढ़ा था 107 से 112 तक तो अगला मर्माध्याय है अब मर्माध्याय में एक 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 हम आगे लेने वाले हैं उसके पहले इंट्रोडक्टरी मर्म का लेंगे कि मर्म हम कैसे कैसे प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं तो सुबह मुझे एक एम डॉक्टर का मैसेज आया था अभी सर आप जो मर्म लेने वाले हो इसको इंग्लिश में भी थोड़ा समझाओ एनाटॉमी के हिसाब से मतलब ठीक है मॉडर्न <laughs> 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 के लैंग्वेज में हमें समझता नहीं तो मतलब ठीक है समझाएंगे <coughs> तो हमने श्लोक पढ़ा था हमने प्रकृति परीक्षण देखे प्रकृति परीक्षण में वात प्रकृति वाले लोग कैसे रहते हैं पित्त प्रकृति वाले कैसे रहते हैं कफ प्रकृति वाले लोग कैसे है देखा हमने और आज जो श्रेष्ठ है वो देखेंगे जैसे वात प्रकृति बाल देखेंगे यहाँ पे जो बेस्ट है अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वात प्रकृति वाला ही सबसे बेस्ट है या पित्त वाला ही बेस्ट है या कफ वाला ही बेस्ट है ऐसा नहीं है श्रेष्ठ कौन सा है वो हम बता रहे हैं अभी जो हेयर्स हेयर्स जो है वो स्निग्ध स्निग्ध हेयर्स चाहिए मृदोवह सूक्ष्म नयक मूलाहा अनेक मूल रहने वाले कभी आपने हेयर एनालाइजर के साथ अगर जूम में देखा तो मूल में एक नहीं रहता है तीन चार ऐसे रहते हेयर फॉलिकल में से आता है बाल आते हैं हेयर्स आते हैं तो इनका जो है आ, मूल अन, अनेक होने चाहिए हर एक बाल के स्थिर होने चाहिए मृदु होने चाहिए कर्कश नहीं होने चाहिए और जो है सुस्निग्ध होनी चाहिए हेयर्स जो है हमारे तो आइडियल हेयर कैसे होने हैं ये बताया है उन्होंने तो अब आइडियल हेयर्स हमारे पास आते हैं क्या हमारे पास बाल आते हैं तो कैसे आते तो गिर रहे हैं या पिंगड बन गए अब कभी को कोई भी हेयर एनालाइजर के इसमें हमने अगर स्टैंडर्ड फोटो देखेंगे तो एकदम ब्लैक हेयर्स है वो हेल्दी हेयर्स कहा गया है डैमेज हेयर्स उसकी ये बदल जाती है हम क्या कहते हैं <coughs> कंसिस्टेंसी बदल जाती है कलर बदल जाता है तो ये अगर हमें सुधारना है हमें अगर बालों की चिकित्सा करनी है तो क्या देखना पड़ेगा सबसे इम्पोर्टेंट पहले वहाँ के दोष अब उस दिन हमने खालित्य निकाला था वो क्षितिश को दिया था कि खालित्य निकाले तू संहिता में कहाँ पे आया है वो हम एक बार ग्रंथ निकालेंगे सब ज्यादा लोग है तो हमारे पास वो शब्दकोश है हेतुकोश है तो उसमें से एक शब्द निकालेंगे तो पूरे संहिता में वो कहाँ कहाँ पे है उसका वो वहाँ पे कलेक्शन है तो उसने खालित्य का कलेक्शन निकाला था पूरे संहिता में कि खालित्य ये शब्द तीनों संहिता लघुत्यी बृहत्तरयी में कहाँ पे आया खालित्य मीन्स हेयरफॉल तो उसका रिजल्ट आया वृद्धि जब जब शरीर में उष्णता बढ़ती है जब जब पित्त तो बढ़ता है तब खालित्य आता है बस बाकी नहीं आता तो खालित्य आ रहा है तो खालित्य होने से मॉडर्न के हिसाब से हेयर फॉल या हेयर का कंडीशन कैसी है आपको पता है किसी को पता है अनाजन, टीलोजन कैटाजन क्या है वो क्या है फेजेस हेयर ग्रोथ की फेजेस है लाइफ टाइम के फेजेस से इस सिंपल सिंपल मैं बताता हूँ बाल आता है टिकता है बाद में चला जाता है बाल धीरे से आता है कम टिकता है जल्दी चले जाता है बाल बहुत धीरे से आता है टिकता है, नहीं चले जाता है ऐसे तीन फेजेस से अब ये सब फेजेस में दोष खालित पालित हमें पेशेंट कब मिलते हैं मध्यम एज में मिलते हैं जिनके पित्त ज़्यादा बढ़ा है उष्णता ज़्यादा बढ़ी है ही समय में हमें पेशेंट मिलते हेयर फॉल के तो हेयर फॉल को क्या करते हैं लोग टॉनिक लगाते हैं हेयर ऑयल लगाते हैं और मेना मेनाक्सिडी लगाते हैं फाइव परसेंट या टेन परसेंट लगाते हैं या अलग अलग के प्रकार के शैम्पू निर्माण करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो उसका प्रमुख मुख्य कारण मुख्य दोष पित्त है शरीर में जब पित्त बढ़ेगा तो शरीर में अगर वो पित्त बालों के या हेयर फॉलिकल के यहाँ पे जाके वहाँ पे उष्णता निर्माण करेगा तो जाएगा सिंपल सिंपल है प्लांट है एक पौधा है वो लगाएंगे वो लगाने के बाद अगर वहाँ पे उसको पानी नहीं मिलेगा या ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ेगी तो जल जाता है जैसे वसंत ऋतु समय है वसंत ऋतु में कफ ज़्यादा बढ़ता है बराबर वसंत ऋतु बाद क्या कौन सा ऋतु आता है ग्रीष्म ऋतु आता है तो कफ ज़्यादा बढ़ेगा कफ ज़्यादा बढ़ने के बाद स्रोतोरत होगा ग्रीष्म में उष्णता बढ़ेगी जब तक आगे जाके पानी नहीं गिरता तब तक पत्ते नहीं आते कंडीशन सेम है हमारे शरीर में जब उष्णता बढ़ती है उष्णता बढ़ती है तो कफ़ विलयन होगा पित्त वृद्धि होगी और कफ की भी वृद्धि होगी दोनों वृद्धि होगी उसके बाद क्या होगा वो जब केश के मूल पे हेयर फॉलिकल के यहाँ पे जाके वो अवरोध निर्माण करेंगे अवरोध निर्माण होगा तो क्या होगा हेयर फॉलिकल गिरने जाएंगे तो ये जो अस्थि का मल या अस्थि का उपधातु है तो अस्थि का पोषण बहुत इम्पोर्टेंट है तो हर एक को तिक्त तक बस्ती देंगे तो बाल आएंगे क्या हर एक को गुडूची मुस्तामल की देंगे तो बाल आएंगे क्या नहीं आएंगे बाल आते समय हमने तीन बातें सबसे इम्पोर्टेंट देखना है सबसे पहले बाल देखना है कौन से प्रकृति के थे या है गए हैं तो थे कौन से प्रकृति के है तो कौन से प्रकृति के हैं अब प्रकृति के बाल हमने देखे तो वात प्रकृति के बाल कैसे थे निकालो निकालो कोई पित्त प्रकार के निकाल के निकाल रखो धूसर केश स्फुटित मीन्स फूटने वाले हैं धूसर है दूसर मीन्स एकदम ऐसे घन नील केश नहीं है ऐसे बाल है प्रकृति के हमने पकड़ लिया इसका भी पित्त प्रकृति वाले के बाल कैसे रहेंगे पिंगट मीन्स ब्राउनिश या लाइटिश बोलेंगे लाइटिश थोड़े लाइट रहेंगे और पित्त प्रकृति की उष्णता के कारण वो वक्र रहेंगे जैसे चरक में बताया है वक्र रहेंगे और कफ प्रकृति के बाल कैसे रहेंगे घना नील केश रहेंगे ये तीनों के बाल जाते हैं अगर ज़्यादा खाएंगे तो अब ये हम नहीं बाल का परीक्षण कर लिए कैसा है दूसरी बात है बाल कहाँ से आते हैं केश भूमि का परीक्षण चाहिए तो केश भूमि का परीक्षण करते समय क्या करना है स्पर्श करना है शब्द स्पर्श रूप तीन ही प्रकार है शब्द में क्या पूछना है कंडू आता है क्या दाह पीड़िका डैंड्रफ ऐसा कुछ चेंजेस मिलते हैं क्या हिस्ट्री में है क्या उसके बाद में केश भूमि के यहाँ पे अल स्पर्शन परीक्षा रहेगा हस्तों को गर्म लगता है जब भी हम विद्या करते तो बालों को हाथ लगा के देखते बाल के वहाँ पे स्काल पे क्या? अरे वहाँ गर्म है क्या ज़्यादा गर्म होता है लोगों का गर्म हो जाने की वजह से वो जा रहे हैं बाल ध्यान रखना सुश्रुत संहिता है वाकब सूत्र स्थान में पढ़ते समय दिनचर्या अध्याय में ही कहा है कि सर के ऊपर जो है गर्म पानी से नहाना नहीं है क्योंकि केश इंद्रिय का वो क्षय करेगा तो लोगों को आदत है गर्म पानी डाल के सिर के ऊपर से नहाने की उसके वजह से क्या होगा बाल गिर जाएंगे आँखों का चश्मा भी लगेगा तो यहाँ पे स्पर्श अगर हम करेंगे तो हमें समझ में आता है कि वो उष्ण स्पर्श है तो समझना है कि वहाँ पे सर्कुलेशन में बदलाव आना शुरू हो गया है और बाल गिरना शुरू हो गया है दूसरा वहाँ पे हम स्पर्श करने के बाद बॉल में क्या समझ में आता है कि वहाँ पे डैंड्रप जाता है ड्राइनेज ज़्यादा है बहुत ज़्यादा अब डैंड्रप की भी प्रकार रहते हैं एक ऑयल लगाने के बाद बढ़ता है कुछ लोगों का किन लोगों का ऑयल बहुत लगाने के बाद कम हो जाता है कुछ भी डैंड्रप हो जाए डैंड्रप या त्वचा तो, त्वक तो, तो का जो विकार है वो अम्ल रस से नहीं जाता अम्ल रस रस स्पर्श से नहीं जाता इसीलिए की वाले तेल या तक्रधारा या दही गुड़ लींबू तभी लगाने हैं जब वायु का दोष वहां ज्यादा है रस कैसा है उष्ण उष्णीरियो हिमस्पर्श स्निग्ध है इसलिए तकर लगाते हैं या तकर धारा करते डैंड्रफ चले जाता है अब जब वात दोष वाले हैं तो उनको ऐसा करना पड़ेगा इसीलिए आमल की वाले जो तेल बनते हैं तो शरीर के वायु युक्त जो स्काल्प बोल रहा हूँ बाल नहीं जब स्काल्प के दोष रहेंगे तब हमें वो यूज़ करना पड़ता है बाल कैसे चाहिए हमें स्निग्ध चाहिए मृदु चाहिए ज़्यादा फटने वाले नहीं चाहिए हाँ स्निग्ध चाहिए मृदु चाहिए सूक्ष्म न एक मूल एक वाले नहीं चाहिए अनेक मूल वाले चाहिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है मूल भी ज़्यादा चाहिए ना हमें आ, बाल गिर रहे हमने प्रकृति देख ली बालों की उसके बाद में भूमि जो है वहाँ पे हमने डिसीज पकड़ लिए कहाँ कहाँ अति अतिश्वेद रहेगा कुछ लोगों को घाम पसीना आता है बालों में से बहुत ज्यादा यहाँ से पते पसीना आता है तो अतिश्वेद रहेगा स्पर्शों को रुक्ष रहेगा या खूब बहुत ज्यादा गर्म रहेगा नहीं तो क्या रहेगा ये एकदम चिकना रहेगा जैसे इंद्रलुप्त में रहता है तीनों भी वात पित्त, कफ दोष के द्योतक रहते हैं वात द्योतक रहेगा वहाँ पे ज्यादा रुक्षत्व डैंड्रफ जैसा रहेगा त्वचा वहाँ पे है खूब बहुत ज्यादा स्केली हो जाएंगी दूसरा रहेगा दोष वहाँ पे उष्णता ज़्यादा रहेगी और तीसरा दोष रहेगा वहाँ पे एकदम शीत एकदम फ्लैट हो जाएगा एकदम हेयर फॉलिकल दिखेंगे नहीं जैसे इंद्रलुप्त में होता है तीनों एक साथ हो जाएंगे तो व्याधि बन जाएगा लेकिन इनिशियली जब बाल रहते हैं तो ऐसी कंडीशन की शुरुआत होती है कफ प्रकृति वाले के बाल जाते पित्त वाले जाते वात प्रकृति वाले के भी जाते अब ये पकड़ लिया हमने वहाँ क्या? केश का भूमि का दोष निकाला अब रहेगा वो दोष उत्पन्न होने वाले शरीर के हेतु लक्षण और औषधि चिकित्सा तीनों प्रकार की करनी एक तो बाल्ब की प्रकृति हमने पकड़ लिए क्यों पकड़ना इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रकृति के हिसाब से ऊपर की चिकित्सा होनी चाहिए पित्त प्रकृति के, के केश है तो पित्त प्रकृति यहाँ पे उसको पकड़ के रखने वाले बल देने वाले उसके विरुद्ध चिकित्सा करनी है क्या करना है अगर हम तेल दे रहे हैं तो शीत तेल बनाना जैसे भृंगराज तेल बना रहे हैं तो भृंगराज उष्ण है या शीत है उष्ण है ना देखो साउथ में जाएंगे तो क्या मिलेगा नारिकेल तेल मिलेगा सब केर तेलम केर तेलम मानते हैं ठीक है हमारे यहाँ तिल तेल तिल तेल है और ऊपर जाओगे तो सरसप सरसप है तो आप अगर सरसअप तेल लगाओगे तो क्या होगा उड़ जाएंगे बाल क्योंकि वो सरसप तेल उष्ण है हमारे यहाँ कौन सा तेल ज़्यादा चलता है हमारे यहाँ से हैं हमें बालों को लगाने के लिए पैराशूट ही चल रहा है ना बचपन से बचपन से बचपन में जब थे तो पैराशूट पकड़ के रहते तो ठंडा होता था जम जाता था बड़ी डब्बी थी वो लेके गर्म करके हम लगाते थे रोज़ लगाते ना तो वो शीत तेल है लेकिन जब यहीं पे कफ का अवरोध होता है जैसे बच्चों में कृमि वगैरह होते तो हम तिल तेल यूज करते हैं क्योंकि वो कैश्य है और उष्ण है तो कोई भी पेशेंट में रुग्ण में हमें कफ का अवरोध या कफ पित्तज संप्राप्ति ज्यादा नहीं मिलती है या कफ वातज संप्राप्ति ज्यादा मिलती है तो वो दूर करने के लिए हमें तेल यूज करते समय उसके हिसाब से यूज करना पड़ेगा जैसे कि कफ पित्त संप्राप्ति है हम करेंगे तिल तेल से बने हुए केश तेल जैसे भृंगराज तेल हम तिल तेल में बनाया हुआ है ऐसा पकड़ेंगे लेकिन कफ वात संप्राप्ति है तो वहां पे सरसप तेल जैसे काम में आएंगे उष्ण तेल काम में आएंगे तेल पान करेंगे हम अगर तो वो कुष्ठ विसर्प तो आदि बनाता है लेकिन तेल का गंडूज धारण करेंगे तो वो बालों के लिए अच्छा है सबसे ज्यादा बालों के लिए क्या है चिकित्सा में नशे चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा हेयर फॉल फॉल के लिए नशे चिकित्सा है तो नशे देते समय भी हमने नशे अध्याय में पढ़ा क्या आया है जला आया है पा, नाक में पानी डालना है चार चार छे, छे, छे थे मध्यम मात्रा में या दूध डालना है उससे क्या है दोष नहीं है जिसको और बाल बढ़ाने हैं ऐसे लोगों के लिए काम में आता है शोधन नहीं वो बल देने वाली है लेकिन जब दोष आ रहे हैं तो दोषों के हिसाब से हमें वहाँ पे ऑयल लगाने हैं ऊपर से तो वात प्रकृति वाला रहेगा वातज रहेगा सिंपल सिंपल उष्ण स्निग्ध ज्यादा वाले तेल लगाने हैं तो तिल तेल आ जाएगा उसमें तिल तेल, तेल तो इतना अच्छा है तो वाले लोगों के लिए ऐसा ही लगाने से ही उसको जीवनदान मिलता है बालों के लिए पित्त प्रकृति वाले या पित्त स्पर्श वाले क्यों उष्ण स्पर्श वाले तो शीत चिकित्सा करनी तो चंदन आदि तेल या हमारा हम कहते हैं कि केर तेल में नारियल के तेल में बनाए हुए लगाना है पेशेंट मैंने एक पेशेंट देखा था वो जो खोबरा है ना कोकोनट तो वो पीस के बालों को लगाते हैं निकाल के उसमें का जो तेल निकलता है उसका कलक ही लगाते हैं बालों के लिए जैसा तलम करते हैं ना रास का उसके हिसाब से कफज रहेगा तो सरसप का काम में आएगा तो कचार बसली वायर बग ना तो ये इसके हिसाब से चिकित्सा होगी ये देखेंगे बाद में तो ये इंपॉर्टेंट है आगे आया है उसका जो ललाटम है श्रेष्ठ ललाट जो है ललाटम उन्नतम बड़ा होना चाहिए ललाट उन्नत भाग्य का लक्षण कहा गया है श्रेष्ठ देख रहे खुद को नहीं देखना हमारा ललाट छोटा है बड़ा है <laughs> श्लिष्टम शंकम अर्धेन्दु सन्निपम अर्ध होना चाहिए अर्धा चंद्र का पूर्ण चंद्र नहीं चाहिए हमें <laughs> अर्धिंदु सन्नीतम कर्ण जो करना जो कैसे होने चाहिए कर्ण नीचे होने चाहिए नीच उन्नतो पूर्ण काना चे ये फुले हुए होने चाहिए उन्नत नीचो उन्नतो पश्चात महंतो बैक साइड से बड़े होने चाहिए श्लिष्ट मांसोलो मांसलो मांसल होने चाहिए एकदम पतले नहीं होने चाहिए कर्ण कैसे होने चाहिए यहाँ बताए नेत्र व्यक्त असीत सीते मीन्स जो सफेद पार्ट है नेत्र का और कृष्ण पार्ट है वो स्पष्ट तरीके से दिखना चाहिए उसको श्रेष्ठ नेत्र कहेंगे और उसका जो आइलासेस है सुब्ध घन ऐसे होने चाहिए आईलाइस अगर आईलाश नहीं होगे तो क्या होगा तो डिसीज होते हैं बाद में जैसे पित्त बढ़ जाएगा तो बाल पतले हो जाते वक्र हो जाते वैसे आईलाशेस में भी दोष आ जाते और एंट्रोपियन और एक्स्ट्रोप्रियम हमारे व्याधि बन जाते हैं और वो ऐसा उल्टा होके हमारे कॉर्निया को ख़राब करने लगते हैं तो वो तकलीफ देने वाली व्याधि बन जाते हैं नाक जो है उनका उन्नत आगरा, उन्नत आगरा महोश्वासा पिनर जू नासिका समा सीधा होना चाहिए नाक बड़ा होना चाहिए नाक श्रेष्ठ नाक कैसा है सीधा बड़ा होना चाहिए और दीर्घ श्वास वाला नाक होना चाहिए एकदम छोटा हाँ। नाक जो है चाइनीज वाले जापनीज वालों का किसी ने मारा हुआ है ऐसा लगता है तो क्योंकि श्वास लेने में है क्योंकि प्राण व्रोत की एंट्री है वहां पे ओष्ठ जो है ओष्टो रक्तो अनुद्रुतो महत्व लाल रंग के होने चाहिए ओष्ट और ज्यादा ऐसे बाहर नहीं आने चाहिए बस इसको बताने की जरूरत नहीं है महत्व न उल्बनो हनु हनुसंधिए एकदम ज्यादा आगे आने वाली नहीं चाहिए हमें तो उसके हिसाब से कौन सी श्रेष्ठ कहा है दात जो है घनावृत्ता रसवा स्निग्ध स्वच्छ श्वेत ऐसे दात होने चाहिए अगर नहीं है तो श्रेष्ठ नहीं है जीभ जो है रक्त लाल रंग की लंबी होनी चाहिए छोटी नहीं है और पतली होनी चाहिए अगर बड़ी हो जाएंगी तो स्पष्ट शब्द अच्छी तरह से नहीं आते हैं हनुवटी जो है वो मांसर वो देखा हमने मन्या जो है आखूट जाड़ व गोल रहनी चाहिए मन्या नख जो है तनूर। तनुहु रक्तो नतम नखम पतले होने चाहिए और लाल होने चाहिए सफेद नहीं हस्त पाद बड़े होने चाहिए स्निग्ध होने चाहिए महत पानी पादम प्रतिष्ठितम बड़े होने चाहिए वो अच्छा लगता है श्रेष्ठ कहे गए हैं गूढ़ वंशम बृहत्पृष्टम निगूढ़ संधय दृढ़ धीर स्वरो च वर्ण स्निग्ध स्थिर प्रभ स्वभावजम स्थिर सत्वम अविकारी विपत्व जो पृष्ठ होनी चाहिए पाठ होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए हमारी संधि जो है भरी होनी चाहिए नहीं तो बाद में तकलीफ देते बड़कट रहनी चाहिए आवाज जो है उसका धीर स्वर दृढ़ घन होना चाहिए एकदम हाँ। ऐसा। श्रेष्ठ हाँ। का बताया जिसका है उसका नहीं नहीं ये सब होने वाला हीरो है। बस <laughs> बाकी कुछ नहीं <clears throat> सत्वम अविकारी अविकारी सत्व होना चाहिए स्वभाव स्थिर होना चाहिए बाकी कुछ नहीं उत्तोरत उत्तर सुक्षेत्र गर्भ गर्भाधिनी रुझम आयाम अज्ञान विज्ञान वर्धम शनै शुभम ये सब ऊपर बताई हुई जो श्रेष्ठ लक्षण में जिसमें ज़्यादा ज्यादा अच्छी तरह से है वो गर्भावस्था बाल्यावस्था इत्यादि अवस्था में विकार कम होते सिंपल बाकी कुछ नहीं <coughs> सर्वगुणोपे शरीर श शा, शरदाशतम आयु ऐश्वर्य इष्टाश्च सर्वे भाव प्रतिष्ठिता अब एक सर्वशरी गुण के उत्पन्न से जो शरीर है वो शंभर वर्ष टिक तीक, टिकता है बाल अच्छे है तो ही टिकेंगे ना हंड्रेड हंड्रेड इयर्स और उसको ऐश्वर्य आदि सब बातें उसको मिल जाती है तव अग्रादी सत्वान सत्व अंतान्य अग्रान्य अष्टो यथोत्तर बल प्रमाण ज्ञानार्थम सारा युक्ता देहीनाना सारे ही उपेत सर्वि गौरव संयुक्त सर्वरंभेशु च सहिष्णु सहिष्णुसन्मति स्थि त्वचा तो रक्त अस्थि मज्जा शुक्र व और सत्व ये जो है एक दूसरे से अधिक बलवान ऐसे शरीर में बताए हैं हमने बच्चों के सर्व शरीर जो है पुरुष बलकट है सब काम में वो समर्थवान बनेगा बुद्धि अच्छी रहेगी स्थिर रहेगी ये ऐसा शरीर रहेगा तो अनुसेकम च सुखम दुखम च सेवते सत्ववान् तथापि अपमानस्तु राजसो नैव तामस काफी अच्छा श्लोक दिया है सात्विक पुरुष जो है सुख होने के बाद ज़्यादा वो बताता नहीं है अभिमान नहीं करता है सुख होने के बाद सात्विक पुरुष जो है और दुख होने के बाद भी ज्यादा दुख बताता नहीं रोता नहीं है सात्विक पुरुष जो है राजस् पुरुष जो है उसको सुख होने के बाद बहुत खुश होता है एकदम चला पार्टी एकदम कल शिवमन गिल ने टू हंड्रेड दो सौ आठ मारने के बाद उसको प्रश्न पूछा था हर्षा बोगले ने वह तो एकदम ही ड्रीम कम ट्रू सार के बनाते बोले नहीं चाल खूब चांगला उत्तर दिया शुभम गिल ने कल का देखो बहुत अच्छा उसने आंसर दिया था कि ये इसका ये दो रन बनाना सबकी ड्रीम रहती है तो आपका ड्रीम कम ट्रू ऐसा है क्या उसने प्रश्न पूछा ऐसा कुछ तो भी उसने कहा कि नहीं बाबा ये ऑब्वियसली अच्छा लगता है लेकिन ड्रीम कम ट्रू जैसा नहीं है एकदम सिंपल उत्तर आंसर दे वो चला गया तो वो सात्विक पुरुष के लक्षण है ऐसा बताया यहाँ पे <coughs> राजस पुरुष जो है सुख है बीस रन बनाए तो भी <laughs> एकदम एक तो हर्ष होता है उसको और दुख दुख से बहुत दिन होता है अरे यार गिली छोड़ून ऐसा <laughs> तामस मनुष्य है <coughs> वो उसका कल्पना करेगा तो वो लेना देना नहीं उसको <laughs> क्योंकि क्या दिया है <coughs> हिंदीत क्या रहा ट्रांसलेशन तो निवड़ दगड़ी हाँ तो पत्थर ही है क्या सुख है और क्या दुख है वो देख नहीं पाता है वो तमसे ठीक है दानशील दया सत्य ब्रह्मचर्य कृतज्ञता रसायना मैत्री च पुण्य आयु वृद्धीकृत गुण दान शील शीलता सुख स्वभाव दया सत्य ब्रह्मचर्य कृतज्ञता रसायन व मैत्री पुण्य और आयुष्य बढाने वाले हैं हम्म मैत्री आया है हॅपी फ्रेंडशिप डे तो ऐसा है हमारा शारीरिक स्थान का तीसरा अध्याय था तो काफ़ी अच्छा अध्याय थे ये दोनों अब हमारा मर्म का अध्याय शुरू हो जाएगा हम्म 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 बाकी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछो तो बालों का ऑयल बनाते समय ना यही बातें ध्यान में रखनी चाहिए नहीं तो क्या होगा एक ही ऑयल सबको काम में नहीं आता कभी भी कभी भी आदत डालनी है ना फ्यूचर के हिसाब से तीन कॉलम ही करना है आपकी प्रकृति कौन सी आपके बाल गिरते समय कैसे गिरते हैं कुछ कुछ लोगों के बाल ऐसा हाथ लगाया गिर जाते हैं कुछ कुछ लोगों के बाल एकदम क्या कहते मेरे प्पा टकले मैं भी टकला हो रहा हूँ वो पित्तज रहते हैं हाँ एकदम जड़ से जाते हैं पित्त जी रहते कुछ कुछ लोग पतले पतले होते जाते पहले बहुत अच्छे थे पतले पतले होते जाते और फिर वैसे ही स्टेबल हो जाते हैं तो वो कफज वाले लोग रहते तो ये देख के ही काम करना है हमें दोष कौन सा है सिर्फ दोष के हिसाब से ही करना है और एक दोष कभी मिलता नहीं हमें एक दोष कभी मिलता नहीं दो या तीन ही दोष मिलते हमें तो दो ही दो या तीन दोष के हिसाब से वहाँ पे चिकित्सा करनी है बेसिकली तीन से चार ऑयल यूज़ करने हैं एक तो कोकोनट बेस ऑयल करना है दूसरा एक तिल तेल बेस्ड या घृत भी बेस वाला हम कर सकते हैं या तीसरा उष्ण तेल कौन सा भी हम यूज़ कर सकते हैं अब जो कफज पेशेंट पेशेंट रहते हमारे कफ लगते हैं कि कफज व्याधि के कफज के अवरोध की वजह से बाल चले जा रहे तो केश जो द्रव्य आता है ना उसका निरुक्ति है केशाय हितम केशम केश को जो हितकारक है वो श्रेष्ठ है अब केश को हितकारक कौन सा है हम लिस्ट बनाएंगे तिल तेल हितकारक है कोकोनट ऑयल पकड़ेंगे तिल तेल हितकारक है सरसप तेल हितकारक है बालों के लिए और नारियल तेल भी हितकारक है नारियल तेल शीत है तिल तेल उष्ण है अति उष्ण सरसप तेल है अब द्रव्य में जाएंगे मांका है केश लेकिन माँ का उष्ण है हुँ? निर्गुडी है केश अति उष्ण है निर्गुडी ठीक है प्रवाह है केश शीत है मौक्तिक है शीत है दूध है या मधुर रस बोलेंगे वो बाल वृद्ध क्षत इंद्रिय केश ओज में श्रेष्ठ का है तो घ्रुत में मधुर रस का मधुर रस में क्या है घृत है हेम है, है, गुड़ है अक्षोड़ है शतावरी है मोच चोष परुष अभिरोपन स राजा दन बला तरम बला है सब ये द्रव्य मधुर स्कंद वाली आने वाली वो भी कैश है ज्येष्ट मध है अंडा भी कैश है कोरफड़ भी कैश है उसको कुमारी कहते हैं एलोवेरा वो भी केश है केश के लिए हित कारक है तो कौन सा किसको देना बराबर एक को कैसा देंगे तो कभी भी कौन सा भी तेल जब बना रहे हैं तो एक केश द्रव्य कैसे वहां पे आया है वो वहां पे एक सेंस लगाना है हमारा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप दो तेल के बारे में बताता हूँ भृंगराज तेल और नीली भृंग तेल क्या फर्क है बनाते समय भृंगराज तेल और नीली आदि तेल में फर्क क्या है बनाते समय तेल कैसा बनाते हैं हम कोई भी जो बताया है तेल तेल के वन जो है, कल का लेते हैं उसके हिसाब से उसका चतुर्गुना जल डालते हैं चार गुना जल रहता है और वो हम सिद्धि करते हैं तो भृंगराज तेल और नीली आदि में फर्क क्या है भृंगराज तेल में क्या है भृंगराज जो हमारा कल का हम डाल रहे हैं तेल के हिसाब से सूरज डाल रहे हैं और चतुर्गुण जल डाल रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं नीली भृंग आदि में हम वहाँ पे दूध डाल रहे हैं वहां पे दूध कौन सा आया है बकरी का दूध आया है वहां पे कोकोनट का दूध आया है नीली भृंग आदि में तो ये बनाते समय भृंगराज जो है केश कर्म कैसे करता है केश मूलगतम दोष निर्हरनात् केश के मूल पे जाके वहाँ पे कफज जो अवरोध हुआ है वहाँ का अवरोध दूर करके ही भृंगराज तेल केश का काम करेगा तो ऐसे लोगों को जिनको प्रतिशय सर्दी बार बार रहती है जिनको कफा जीर्ण की हिस्ट्री ज्यादा रहती है जिनको कफज त्वचा विकार की हिस्ट्री ज्यादा रहती है जिनको कफज ग्रहणी के लक्षण रहते हैं ऐसे लोगों के बाल जा रहे तो भृंगराज तेल काम में आता है या कफ वातज हम कहें लेकिन अभी जो मिल रहे लोग पित्त प्रकृति के मिल रहे हैं तो उनकी वजह उनके पित्त ग्रहणी के वजह से अम्ल पित्त की वजह से उष्ण वातावरण की वजह से जागरण की वजह से लवण रस अति सेवन की वजह से जो शरीर में बदलाव आ रहे हैं वो बदलाव दूर करने के लिए वही तेल काम में आता है लेकिन वो उष्णता उसकी कम करने के लिए धातु के लिए बल या पोषण मिले धातु मीन्स केश ये अवयव को पोषण मिले केश या वो उपधातु या हमारा ऑर्गन है हेयर उसको बल मिले इसीलिए वही तेल वही द्रव्य कंटेंट वाले द्रव्य को धातु के लिए पोषित बनाने के लिए यापन करने के लिए वो साथ में दूध मिला के सिद्ध करना है नीली भृंग्यादि तेल तो महाभृंगराज और नीली भृंगादि तेल यूज करते समय सोचना है महाभृंगराज तेल नीचे लगाना है स्काल्प को और नीली भृंग्यादि तेल बालों को लगाना है ट्वेल्व आवर्स अगर बालों पे तेल रहेगा तो बालों के अंदर जाएगा धातुओं में जाएगा जैसे हम अभ्यंग करते हैं मात्रा के हिसाब से तो कंटिन्यूसली शुरू अभ्यंग जब करेंगे तो बालों को भी काम में आता है तो नीली भृंगादी तेल है तो वो बालों को ऐसा ज़्यादा लगाना है और 12 आवर्स तक बालों पे रहना चाहिए तभी उसका कर्म आता है भृंगरा तेल रंगाना है या नीचे लगाना है तो ये इसके हिसाब से हम कौन सा देना है वो हम सोच के हम देंगे तो हमें रिजल्ट ज्यादा मिलते नहीं तो क्या हो जाएगा सबको वही देंगे तेल बनाया है बच्चों ने हमारे तेल गया तेल गया तेल गया तेल गया सबको बेच रहे आधे लोग बोलते अच्छा है आधे लोग बोलते कुछ नहीं हो रहा है हमेशा यही होता है हमेशा यही होता है ना कुछ लोग बोलते हाँ अच्छा है कुछ नहीं बोलते इसलिए अभी धूर धूर पथराधी तेल मैंने दिया कल धूर धूर पतराधी तेल में कफ वातक नहीं हो दत्तुर। सिर्फ दतुर के पत्र से बनाया हुआ तेल है वो कफ वातक में दे खत्म जिनका रहा है उनको दूर दूर पत्र जिनका पित्तज लग रहा है उनको घुत भी दे सकते हो <coughs> तो उसके हिसाब से कभी भी केश की बालों की चिकित्सा करनी है प्रवाल भी आया है केश तो जहाँ पे धातुओं के लिए रक्तगत हमें संप्राप्ति है वहाँ पे प्रवाल जैसे मौक्तिक जैसे कल्प वहाँ पे यूज़ करने हैं या खटी कल्प यूज़ करने हैं या एकदम से अस्थि भी क्षय लग रहा है और रूप धातु का भी क्षय लग रहा है तो तब तिक तक शिरवस्ती आ जाएगी नहीं तो बालों के हर विकार है अस्थि मंचा पाचक गुड़ची मुस्ताम की से दस किलो भी खिलाओ कुछ नहीं होता क्योंकि वो ज्वर की औषधि है ये सब ध्यान में रखना लें अभी जो मशीन आते हैं ना हेयर एनालाइजर या उसका यूज़ कैसे करें वो प्रेजेंटेशन के लिए है लोगों के लिए हमने वो बाल देख लिए आपके ऐसे बाल थे वैसे बाल थे इतना डैमेज है सब सब है तो डैमेज कैसे रिकवर होता है ये देखने के लिए भी हमें वो काम में आते हैं लेकिन टाइम देना पड़ता है उसमें दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट जाती है नस्े आता है कवल आता है गंडूश आता है बालों के लिए एन e टी की चिकित्सा करेंगे तो काफी अच्छा आता है काम होता है ठीक है मर्म इंट्रोडक्टरी शुरू करेंगे कल से है ना अच्छा है तो बालों को लगता क्या है ज्यादा ज़्यादा ज्यादा हवाई लगती है ड्राई बन जाते हैं बाल खराब होते समय पहले ड्राई ही बन जाते उसके बाद ड्राई बनने के बाद उसका जो कंसिस्टेंसी है वो ख़राब होने लगती है सिर्फ ध्यान में रखना कि वातज बाल पित्तज बाल कफज बाल खराब होते समय कैसे खराब होते वातज बाल रहेंगे तो वो फूट जाते हैं रुक्ष बन जाते हैं टूट जाते हैं पित्तज बाल कैसे हो जाएंगे खराब होते समय एकदम पतले हो जाते हैं और एकदम ऐसा लगता है कि उतने ही बाल पकड़ रहे तो एकदम पतले लग रहे हैं कफज तो रहेंगे तो वो दिखेंगे अच्छी तरह सिर्फ उसकी डेंसिटी कम होते जाएंगी हेयर एनालाइजर में वो अच्छे ही दिखेंगे तो ये कम होते जाता है तो कम होते जाते समय उसको उसका ही पोषण चाहिए सिर्फ चिकित्सा करते समय आपको यही ढूंढना है कि ऑर्गन को पोषण देना है या केश भूमि का दोष दूर करना है ध्यान वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गन को पोषण देना है या केश भूमि के दोष दूर करना है या शरीर के धातुओं में हो रही दुष्टि को दूर करना है शरीर के धातुओं में दुष्टि हो रही है तो शोधन लगेगा केश भूमि पे दोष आ रहे तो वो शमन से जाएगा और बालों के लिए करना है तो यापन से हो जाएगा इतना इजी है यापन में रसायन वगैरह नहीं तो चौन पास दस डब्बे दब भी खाए तो भी बाल उतने ही रहते हमारे हो तो कुछ नहीं रहा है वह शोधन करके करना चाहिए हाँ प्रच्छान है विद्ध कर्म है, है बालों के लिए नहीं बालों के लिए तेल लगाएंगे ना बालों के लिए तेल है चूर्ण सबसे ज्यादा काम करते हैं बालों के लिए हमने क्या करना है मेहंदी बनाई थी ना मेहंदी मेहंदी बोल रही है मेहंदी नहीं वो बा... एक बुढ़ी औरत आई थी देखो वो बोल रही है सर आपकी मेहंदी बहुत अच्छी है उससे बाल बहुत घने बन रहे उसमें सिर्फ बालों के ही था और वो चूरना है वो काफ़ी अच्छी तरह से केश है वो हमने जैसम्म वगैरह दिया है उसका उदम्ब उदम्बर डाला है उसमें तो ये सब ऑर्गन के लिए आया है कैसे एग्ज़ाम्पल जब आप गार्नियर लगाते हो तो ऑर्गन ही ख़राब होता है <laughs> देखो कोई लगाता है तो उसकी इतना बाल गिरना शुरू हो जाते बस ख़त्म हो जाता है तो <laughs> वो उसको ठीक करना है तो हमारा गार्नियर बनाना है एकदम चूर्ण है ना सिर्फ बालों के ऊपर काम करना है आपको तो चूर्ण का दे सकते हैं उसमें वो काफी अच्छी तरह से काम करते एक बार ही लगाओ समझ में आता है जैसे आपको अगर पित्त बाल है मुलायम है वात पित्तज है या वातज है तो तकर तकर लगाओ दिन भर मुलायम लगते बाल डैंड्रफ तो पूरा डिजल हो जाता है दही गुड़ नींबू में एक बार लगा के देखो संडे को एक बार दही गुड़ नींबू साथ में करना है वहाँ पे अम्ल मधुर दोनों रस आए तो वातपित्त पित्त जिनके बाल उनको डैंड जो हो रहा है उनको लगा के देखो गायब डिजल हो जाता है और बाल एकदम मुलायम बन जाते हैं ठीक है ठीके? चलो कल मिलते हैं कल नहीं मिलेंगे कल क्यों मिलेंगे हाँ कल लेक्चर है आष्टा कॉलेज का कल नहीं मिलेंगे अभी सोमवार चलो <laughs>